अगला सवाल है चैतन्य साहू का भुवनेश्वर से। चैतन्य जी बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार जी। मेरा एक है पीएनबी, मैंने लिया था, 1000 शेयर है, कितने रुपीज में ओके होल्ड करूं या बेचूं, अगर समझ नहीं आ रहा है। सरवन जी पीएनबी में क्या किया जाए, सरकारी बैंक बहुत बढ़िया रैली दिखा चुके हैं और अभी भी दिखा ही रहे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंफर्ट जोन में है। 50 रुपये में इन्होंने पीएनबी ले रखा है, क्या करना चाहिए लोगों? देखिए मैं सबसे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में पहला एक रैली जो चला, जो हमने पहली रैली देखी लास्ट लास्ट में जो चली सितंबर अगस्त सितंबर से चली, और उसमें अच्छा अच्छा गेन इसने किया। 30 रुपए वाला स्टॉक 60 रुपए हुआ, वहां से इसने एक बढ़िया करेक्शन किया 45 रुपए तक, और 45 से भी एक नया इसने मूव किया तकरीबन 55 के आसपास तक का। तो आई थिंक उसी मूव को ये कहीं पचा रहा है, एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ मुझे पूरा लग रहा है। तो आई थिंक अगर टाइम दे पाएंगे ट्रेड को, थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक पीछे चला हुआ है, अगर 3-6 महीने ट्रेड को देंगे तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनके यहाँ पे पैसे बनने चाहिए, और 60 रुपए वाला 62 रुपए वाला जो हाई है उसका निकलेगा, और एटलीस्ट 62 निकाल के 65 तक के लेवल मुझे दिखते हैं। तो 62-65 के लेवल ऊपर में इनके इनको मिलेंगे तो 20-25% का इनको यहाँ पे फायदा हो सकता है, ट्रेड में बने रहे। और मेरे हिसाब से अभी जो हमने रिसेंट स्विंग लोज रखे हैं इस करेक्शन में तकरीबन 44 के नीचे, 44 के आसपास, उसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, तो 43-40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। ओके सरवन जी रुकिएगा जरा, एक थर्मेक्स के मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं। कंपनी ने अगेन एक और देखिए, हितेश जी अगर सुन रहे होंगे लखनऊ से, आगरा से, तो उनको मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि थर्मेक्स ने नतीजे बहुत शानदार पेश किए। चौथी तिमाही में रेवेन्यूज़ में करीब 16% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 52% की। मार्जिन्स जो है इम्प्रूव हुए हैं 6.8 से बढ़ के 8.7%, और एबिटा यानी ऑपरेशनल नंबर्स भी आप देखेंगे 48% की ग्रोथ है, 200 करोड़ के आसपास। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष सर पहले तो बहुत बधाई, शानदार नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए आपने, क्या हाईलाइट है ये, इतने बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। मैंने सुना कि लगभग सारी कैपेक्स की साइकिल को फायदा उठा रहे हैं कैपिटल गुड्स वाले, क्या हाईलाइट सर आपके रिजल्ट्स के? नमस्ते नीरज जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, एंड आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए भी, थैंक यू वेरी मच। जो हाइलाइट्स हैं सिंपल है एक्चुअली, कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है स्टेबल है, डिमांड है अच्छा है, और कमोडिटी प्राइसेस पहले से हायर हैं पर स्टेबल हैं, और लोग बाग माल उठा रहे हैं, वेंडर्स हैं वो माल सप्लाई कर रहे हैं, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट स्टेबल है। तो एज एन ऑपरेटिंग लीडर थोड़ा इजियर हो जाता है मैनेज करना, इनपुट आउटपुट दोनों थोड़े बहुत कंट्रोल में रहते हैं। इस हिसाब से आई थिंक इंडिया ओवरऑल ही अच्छे फेज से गुजर रहा है, जहाँ की ओवरऑल सारे कैपिटल गुड सेक्टर्स की कंपनियां अच्छा ही कर रही हैं। ओके सर, ये जो ऑर्डर बुक है आपकी वो स्टेबल हो रही है क्या? कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो कम हुआ है, तो इसको कैसे देखा जाए? जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेबल है या इक्वलाइज हो रही है, क्या? हाँ, इसके दो पार्ट हैं। एक अगर आप पिछले साल के ऑर्डर बुक से देखें, जबकि हमने करीब 3,400 करोड़ के ऑर्डर्स किए थे Q4 में लास्ट ईयर, उसमें करीब 1,600 करोड़ के ऑर्डर्स दो ऑर्डर ने ही लिए थे, या तो अगर सो वो दैट वाज बहुत ही अनयूजुअल क्वार्टर था उस हिसाब से। और पिछले करीब 6 महीनों से ज्यादा से मैं कह रहा हूं कि हमारी विजिबिलिटी में अभी कोई लार्ज ऑर्डर्स उस टाइप के हैं नहीं, और अभी भी मैं वही कहूंगा। उसके बदले में हमने बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी के, काफी काफी बायोमास के, शुगर इंडस्ट्री के, स्टील इंडस्ट्री के, वो सब पे हमारा फोकस रहा है, और वहीं पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी और वॉल्यूम भी है। तो बड़े ऑर्डर्स नहीं है, और ये यही हम कह रहे हैं, और इसके बावजूद भी हमारी कोशिश है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम ग्रोथ पे, ग्रोथ पाथ पे ही रहेंगे। तो उस हिसाब से जो 2300 करोड़ के ऑर्डर्स ये पिछले लास्ट क्वार्टर में आए हैं, मेरे हिसाब से अच्छे ही ऑर्डर्स हैं, उतने बड़े नहीं है जितने पहले कभी एक साल पहले जो थे, पर उन दो ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स को अगर मैं निकाल दूं तो काफी अच्छी ग्रोथ है ऑर्डर्स में भी। ओके सर, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन के लार्ज ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ज्यादा छोटे पे आप फोकस कर रहे हैं? सो दो रीजन है, एक सेक्टोरल शिफ्ट है, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल जहां से हमारे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं,
वहां पे अभी कोई नई बड़ी रिफाइनरी एग्जीक्यूशन में नहीं जा रही है। एक जो थी HRRL जो कि राजस्थान में, शायद नेटवर्क की दिक्कत है, फ्रीज हो गया। तो आशीष जी ये बता रहे थे कि लार्ज ऑर्डर्स में तो खास तौर पे जो रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल, वहां पे शायद कैपेक्स। जी आशीष जी कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, सो वो एक जो कैपेक्स साइकिल है वो थोड़ा कम हो गया है। दूसरा जो कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे सीमेंट वगैरह, जहाँ पे थोड़े प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े आ भी रहे, सीमेंट स्टील, उन सब में थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू है क्योंकि ये काफी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हैं और मेरे हिसाब से Q3 Q4 में इनसे ऑर्डर्स आने चाहिए। पर ये रिफाइनिंग से जो ऑर्डर्स आते हैं वो थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं कि मार्केट में डिमांड आई तो उस पर ऑर्डर में बदलेगा ही। स्टील और सीमेंट में वो श्योरिटी थोड़ी कम रहती है बिकॉज कैपेक्स प्लान्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। पर काफी लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं स्टील में स्पेशली जो कि Q3 Q4 में रिजल्ट देंगे। आशीष, अभी कई सारी बड़ी ऑयल कंपनीज ने भी अनाउंस किया है बड़े बड़े कैपेक्स, लेकिन शायद वो न्यू एनर्जी की तरफ ज़्यादा है। तो मुझे ये बताइए कि जो न्यू एनर्जी है, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? सो नई एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी हैं पर वो बड़े बड़े नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में बड़े नहीं है। ये काफ़ी बायोमास रिलेटेड या वेस्ट गैस रिलेटेड और हाइड्रोजन रिलेटेड है। पर ये सारे प्रोजेक्ट, मतलब वो पूरे प्रोजेक्ट का ही साइज 1,000-1,500 करोड़ का होता है जबकि एक नई रिफाइनरी 20-30 हज़ार करोड़ की लगती है, तो स्केल एंड साइज में थोड़ा डिफरेंट है। पर ये जो सारे न्यू एनर्जी एप्लीकेशन है उनमें काफी इंटरेस्ट है थर्मैक्स का। एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन चेंज होगा बट बहुत सारे ये जो नए एनर्जी के एप्लीकेशन है सब थर्मैक्स के लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है और काफियों में हम गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ काम कर रहे हैं इनमें। एक सर जनरल इंडस्ट्री क्वेश्चन मेरे मन में रहता हमेशा कि ज्यादातर कैपेक्स गवर्नमेंट साइड से है, अभी भी प्राइवेट साइड से कम है। आप कोई इसमें ट्रेंड देखते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट देखते हैं? एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वहां से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। थर्मैक्स का जो पिछले करीब 1 या 2 साल का जो एक्सपीरियंस है कि जो हमारा बेस बिजनेस है जो कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल, FNB, टायर्स, ये जो बेस बिजनेस है जो मल्टी इंडस्ट्री है बहुत सारे इंडस्ट्री से और ये कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता इसलिए रिपोर्ट आउट नहीं होता। दिस बेस बिजनेस हैज बीन द स्ट्रेंथ फॉर थर्मैक्स एंड यहाँ पे बहुत एक्शन है मेरे हिसाब से। Private sector is active, private sector is investing, and that is the reason why the larger Indian economy bhi achha kar rahi hai. Sirf government driven capex cycle nahi hai. Okay, Ashish ji, aapka execution kamal ka hai, better than expected tha, aur commodity prices bhi lower hai, aur is ground pe higher margin, badhiya revenue और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, तो ये मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 24 के लिए आपका गाइडेंस क्या है? आई थिंक मेरे ख्याल से ओवरऑल एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा पर ये साल है जब हमें काफी इन्वेस्ट भी करना है बिकॉज अगर इस कंपनी को, थर्मैक्स को, हमें जो जिससे हम कहते हैं कि न्यू एनर्जी, जो नया न्यू एनर्जी की जो दुनिया है वो बहुत अलग होगी, तो अगर उसकी उस दुनिया के लिए हमें थर्मैक्स को प्रिपेयर करना है तो इस साल हम इन्वेस्ट भी करेंगे, मार्जिन्स ग्रो करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। बट दिस ये साल इन्वेस्टमेंट का भी होगा जबकि करीब 80 से 100 करोड़ हम इंटरनली नई नई चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आशीष जी, एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंडस्ट्री क्वेश्चन है। कैपिटल गुड्स कंपनी खास तौर पे इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक दिखा रही है और आगे भी जैसे आप कह रहे हैं कि और नई नई चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये मानना ठीक होगा कि ये साल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए बहुत शानदार रहने वाला है? आई थिंक अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से पिछला साल भी अच्छा था, अभी भी है और मेरे ख्याल से थर्मैक्स जैसी कंपनियों को
कैपिटल गुड्स के अलावा भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। किसी एक लार्ज प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि कोई भी कस्टमर, उसको सर्विसेज चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए कि हम ये कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करें, इनमें बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, उन पे काम करना है। कैपिटल गुड्स पे स्पेसिफिकली आई थिंक उससे टॉप लाइन ऑर्डर्स आते हैं, पर वो फोकस और इंटरेस्ट स्पेसिफिकली वहां पे ऐसा है, अंदर की थर्मैक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर आशीष जी आपने मुझे प्रोवोक किया, फिर आप मुझे बताइए आप क्या नया सोच रहे हैं। बहुत कुछ, एंड एक जो सबसे बड़ा ट्रिगर जो आपके दिल के करीब और आपको लगता है ये नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर है वो बताइए। तो फॉर थर्मैक्स के लिए पूरा का पूरा वेस्ट टू एनर्जी, कि जहां पे भी वेस्ट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमास, स्लज ट्रीटमेंट, ये जो हम पराली ग्रास जला रहे हैं, इन सबको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, और ये एनर्जी भी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है कि पावर में जाएगा, इसको स्टीम में कैसे कन्वर्ट करें, केमिकल्स में कैसे कन्वर्ट करें, हाइड्रोजन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। अगर आप एक पूछ रहे हैं तो मैं वो एक बोलूंगा, आप दो पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी, डिजिटल सॉल्यूशन, सर्विसेज ओवरऑल बहुत कुछ कैपेबिलिटी है। आप तीन पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पानी और का कंट्रोल कैसे बेटर किया जाए, क्योंकि देश को बहुत पानी की कमी है अब, और इंडस्ट्री और सब जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, नॉर्म्स टफर हो रहे हैं, तो एक के बाद एक मैं आपको ट्रेंड्स बताता रहूंगा जो कि इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट डलवा देता हूँ आपके लिए, हमारा शो है केवाईसी, दिन में आधे घंटे हम आपसे बैठ के चर्चा करेंगे। मैं आज ही अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बोलता हूँ कि हम लोग डिटेल में समझेंगे कि थर्मेक्स के लिए नई चीजें क्या है और जो आशीष जी हमें समझा रहे हैं, तो बस फिर बस इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक हम आधे घंटे आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर, और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी, थैंक यू। सर्वेंद्र जी वापस आइए आप। जी 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 नीरज जी, थर्मेक्स पर राय बताइए पहले। तो जब आप पॉज लेके स्टार्ट करते हैं ना सर, तो पहला सेंटेंस ड्रॉप होता है, पीसीआर के लिए अपडेट है। थर्मेक्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, और मेरा थॉट ये है कि 2550 2600 के आसपास इसको पुराने हर्डल्स रहे हैं, और एक बढ़िया पुलबैक करके 2000 के आसपास से ये इस एरिया में आया है। 25-30% का गेन इस लेग में हुआ है, तो एक छोटा करेक्शन मुझे लगता है पॉसिबल है यहाँ पे 2350-2300 की तरफ, और उसके बाद तो ओवरऑल ट्रेंड और ओवरऑल सेटअप तो अभी तो बुलिश लग रहे हैं। तो आई थिंक 2350 से 2600 की यहाँ पे मोटा मोटी थर्मेक्स में एक रेंज रहनी चाहिए नेक्स्ट एक से दो हफ्ते के लिए। थर्मेक्स पे राय बन रही, मैनेजमेंट को आपने भी सुना ही है। अगले हमारे जो दर्शक है जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनका नाम है पारस जोबालिया नवी मुंबई से। पारस जी बताइए। लास्ट 22 जून से मैंने थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्मी ऑर्गेनिक का स्टॉक बाय किया था, अभी टोटल एवरेज मेरा 294 अराउंड जा रहा है, एंड मेरे पास 1450 का टोटल क्वांटिटी है। अभी ये क्वार्टरली भी उसका रिजल्ट खराब आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे एवरेज करना चाहिए, स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहली बार जब खरीदा था पारा जी, किस भाव पे लिया था आपने? मैंने लिया था सर 330 प्लस में लिया हुआ था। 330 से आप लेते लेते, और अभी लास्ट में कब लिया है? लास्ट में मैंने 245 में सर लिया था, अभी जो लास्ट पूरा नीचे गया था तभी महीने में अपना मार्च महीने में लिया। ठीक है, 330 से 230 और वहां तक खरीदते खरीदते आए हैं, और इनकी कॉस्ट हो गई 294 रुपए, और 1450 शेयर इकट्ठे कर लिए। सर्वेन जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जी, इनको एक सवाल मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कितना साल का कितना रिटर्न एनुअल कमाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने के लिए, साल का कितना रिटर्न ये कमाना चाहते हैं बताइए पारस जी। साल का ऐसा तो कोई मैंने तय नहीं किया हुआ था, मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर लेता हूँ सर जी। तो मुझे मैंने स्टडी किया था कि फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, और आगे फ्यूचर में भी उस कंपनी का बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो मैंने थोड़ा 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 करके लिया हुआ था। अभी आगे मैंने कमाई कितना चाहते, कितनी कमाई करना चाहते हैं जी, साल की कितनी कमाई करना चाहते हैं? सर अभी एवरेज 10% भी मिल जावे तो अच्छा है मुझे, तो 10-15% रीजनेबल है। सर्वेन जी बहुत रीजनेबल है, 10% तो चाहिए नहीं, 10 नहीं सर 15% रीजनेबल है। अगर एक 7% FD में मिल रहा है तो एक 1x उसका, एक जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिस्क
एटलीस्ट 2x चाहिए ऑफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा मेरा अपना एक सेटअप और मानना है। तो उसके हिसाब से तकरीबन 14-15% के रिटर्न छूटने चाहिए साल के, तो आपके अच्छे पैसे आगे चल के बन सकते हैं। तो ये कंपनी खुद की रिटर्न ऑफ इक्विटी 10% से कम ही कमा रही है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से कम है। जो खुद के लिए 10% नहीं कमा पा रहा साल में, वो आपके लिए 15 कैसे कमाएगा? सिंपल एक बेसिक फिल्टर अगर आप वो लेके चले तो वो चले। और दूसरा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की जो बात कर रहे हैं शायद आप मिस कर गए, इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जीरो हो गई है। FIIs, GIIs पूरा बेच के स्टॉक को निकल रहे हैं, इसमें खाली रिटेल और प्रमोटर ही रह गया है। तो अगर इसमें अगर क्वालिटी होती तो इसमें क्वालिटी लोग भी होते हैं, क्वालिटी इसमें से निकलती जा रही है, मींस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली देयर इज सम कंसर्न। तो जब तक इंस्टीट्यूशन का फेथ इसमें नहीं आएगा, आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा चल पाएगा। तो मैं इनको क्या बोलना चाहूंगा कि भाई एवरेज ना करें, अब जितना कर लिया कर लिया, नया कुछ ना करें इसमें। और मेरे हिसाब से थोड़ा इनको टाइम देना पड़ेगा, 3-6 महीने। और इसमें केवेट ये है कि देखिए, इसने पीछे जो लो रखा है 220 के आसपास, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको ये होल्ड रखता है तब तक इसमें एक फाइनल बाउंस टुवर्ड्स 310-320 बनेगा। उस एरिया में एक बार डेफिनेटली निकलने की कोशिश करें, नहीं तो चाहे दोबारा राय ले लें। बट 220 के लेवल को हम ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड में फिलहाल के लिए बने रहें, 310-320 के टारगेट के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।